सब्सक्राइब कीजिए 3D क्रिएटिव चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 3D क्रिएटिव। आज हम सीखने वाले इस सेशन में स्नैप इन 3ds Max। तो स्नैप इन 3ds Max में आज हम देखने वाले 2D स्नैप, 2.5D स्नैप एंड 3D स्नैप। हम बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल वे में देखने वाले, इसीलिए आप इस सेशन को एंड तक देखिए, बहुत ही शॉर्ट सेशन है। ओके, तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली हमने दो बॉक्स ड्रॉ कर दिया है और यहाँ से हम लाइन से स्नैप यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइन से हम क्या कर रहे हैं, जो स्नैप एक्टिव होता है क्या नहीं, हम देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। तो हमने क्या कर दिया है, 2D जो स्नैप है हमने एक्टिव कर लिया है यहाँ से। तो जब हम 2D स्नैप यूज़ कर रहे हैं तो हम ये नोटिस कर सकते हैं, जो भी पर्टिकुलरली जो भी स्नैप एक्टिव रहेगा वो एक्स एंड वाई डायरेक्शन में ही एक्टिव रहता है, जबकि जेड डायरेक्शन में, जेड डायमेंशन में वो क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है। तो जब व्हेन यूजिंग 2D स्नैप वी कैन नोटिस हियर दैट द स्नैप इज एक्टिव ओनली इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, वेर एज द वर्टिकल जेड डायमेंशन इज इग्नोर्ड। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं जो भी पर्टिकुलरली स्क्रीन पर ये एक्टिव नहीं दिख रहा है, जबकि x एंड y डायमेंशन में क्या हो रहा है, वो एक्टिव दिख रहा है, स्नैप ले रहा है। वेयर एज z डायमेंशन में क्या कर रहा है, वो जो भी स्नैप रह रहा है वो इनएक्टिव रह रहा है, वो स्नैप एक्टिव नहीं रहता है। तो यही कॉन्क्लूजन है। ओके, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम अब 3D स्नैप देखेंगे, 2.5D स्नैप बाद में देखेंगे, ताकि आपको समझ में आ सके कि 2.5D स्नैप क्यों यूज़ करना है और उसका क्या बेनिफिट्स है। तो चलिए हम 3D स्नैप यूज़ करने की कोशिश करते हैं यहाँ से। ओके, ये 2D स्नैप आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, 3D स्नैप एक्टिव करते हैं। ओके, तो 3D स्नैप का क्या यूजेस है एज कम्पेयर टू 2D स्नैप, हम देखते हैं। यहाँ से हम जब 3D स्नैप का यूज़ करते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं, देखते हैं। तो जब हम 3D स्नैप यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, तो एक्स एंड वाई डायमेंशन में तो बन रहा है, वेर एज जेड डायमेंशन में भी वो एक्टिव रह रहा है। तो जब हम 3D स्नैप एक्टिव करेंगे तो हम ये नोटिस कर सकते हैं कि जो भी पर्टिकुलरली स्नैप रहेगा वो 3 डायमेंशन में एक्टिव रहेगा, एक्स वाई एंड जेड डायमेंशन में क्या रहेगा, वो एक्टिव रहेगा। साथ ही साथ हम चाहे तो 2D स्नैप में देख सकते हैं कि x एंड y डायमेंशन में ही वो सिर्फ एक्टिव होता है, वेर एज z डायमेंशन को क्या करता है, वो इग्नोर करता है। ओके, तो 3D स्नैप का ये बेनिफिट्स है, बट इसका कुछ एक इश्यूज भी होता है, इसका ड्रॉबैक्स भी है। वो क्या ड्रॉबैक्स है हम देखेंगे। जब हम 3D स्नैप से कुछ कोई भी शेप बनाने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है देखते हैं यहाँ से। तो जब फ्रंट व्यू से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं 3D स्नैप से, तो जो हम शेप क्रिएट करते थे 2D शेप, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इश्यू होता है, वो ठीक से बन नहीं पाता है। तो रीज़न यही है, जब हम 3D स्नैप से यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो 2D शेप जो भी हम क्रिएट करते हैं वो ठीक तरीके से बन नहीं पाता है। तो इसीलिए हम 2.5D स्नैप यूज़ करते हैं। तो 2.5D स्नैप क्यों यूज़ करना है हम वो डिटेल में देखेंगे। ओके, तो जब हम 2.5D स्नैप यूज़ करेंगे तो जो भी पर्टिकुलरली शेप्स रहता है वो ठीक से बन भी पाता है, और साथ ही साथ एक्स वाई एंड जेड डायमेंशन में क्या रहता है, जो भी पर्टिकुलरली स्नैप एक्टिव रहता है। तो जब हम पर्टिकुलरली जो भी 2.5D स्नैप यूज़ कर रहे हैं तो हम ये नोटिस कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली वो 3 डायमेंशन में एक्टिव रहता है, और सेम टाइम में हम क्या कर सकते हैं, 2D शेप भी हम पर्टिकुलरली एक्टिव ग्रिड्स पर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये सेशन ठीक से समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। इफ एनी डाउट यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट बॉक्स। Please share this video with your friends and thanks for watching.